जब से यूपी में योगी सरकार बनी है तब से हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में योगी ने कई आयाम स्थापित किए। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के पद पर आगे बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि यूपी में बहुत जल्द ही 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, जो देश का पहला राज्य बनेगा जहां 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। योगी सरकार ने राज्य में हवाई सेवाओं के चौतरफा विस्तार की गति दी है। यूपी सरकार द्वारा नीति आयोग में पेश योजना के मुताबिक लखनऊ, वाराणसी समेत अयोध्या, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर से बहुत जल्द दुनिया के विभिन्न देशों के लिए सीधी हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज और हिंडन एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं संचालित हो रही हैं। बरेली हवाई अड्डे से भी हवाई सेवाओं की शुरुआत होने वाली है। ये दिखाता है कि किस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी कितना बेहतर हुआ है। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर वर्तमान में या तो चालू हैं या बन रहे हैं, 10 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक केवल 2 ही शहरों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जिसे अमोसी हवाई अड्डा कहा जाता है, दूसरा वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जिसे बाबतपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाता है। विकास को गति देने के लिए बहुत कुछ सालों में केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ने हवाई कनेक्टिविटी पर खास फोकस किया है। जल्द ही सूबे में कुशीनगर, नोएडा और अयोध्या में भी अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तैयार होगा और यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन होगा। कुशीनगर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्वांचल का दूसरा, यूपी का 30वां और देश का 87वां लाइसेंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। योगी सरकार ने इसका निर्माण बेहद तेजी से कराया। ये न सिर्फ बनकर तैयार हो चुका है बल्कि बीते 23 फरवरी को DGCA ने इसे उड़ान का लाइसेंस भी जारी कर दिया। जल्द ही यहां से उड़ान शुरू हो जाएंगे। खास बात यह है कि यहां प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे है। 21 किलोमीटर की लंबाई में चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है और यहां एक साथ 5 जहाजों की पार्किंग की सुविधा है। ये हवाई अड्डा करीब 600 एकड़ में बनाया गया है। भारतीय वायुसेना का बोइंग 737 विमान भी इस हवाई अड्डे पर उतरा जा चुका है। नोएडा के जेवर में भी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में 40 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर बनने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5 रनवे होंगे। 2 रनवे के लिए जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है जबकि 3 के लिए 3,418 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित किए जा रहे हैं। यहां पहले फेज का काम पूरा होने के साथ ही उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी। अयोध्या में एक तरफ भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो वहीं श्री राम एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। ये योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही यहां विकास की ढेरों परियोजनाएं शुरू की गई हैं। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सहूलियत को देखते हुए कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यहां श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। गौरतलब है कि हवाई सेवाओं के लिहाज से देश में फिलहाल केरल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य आगे हैं। अगर इसी रफ्तार से यूपी में एयरपोर्ट का निर्माण होता रहा तो एक दिन दूर नहीं जब यूपी सबसे आगे निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।